इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ईसी ने मुख्य सचिव से 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम मांगे हैं और डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश जारी किया गया है। ईसी ने मुख्य सचिव से 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम भी मांगे हैं। डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए नाम मांगे गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि को हटाया है और उन्होंने कल तक 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम भी मांगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया है। रश्मि को हटाने के साथ ही आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से भारतीय पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम मांगे हैं और कल यानी कि मंगलवार दोपहर 1 बजे तक 3 सीनियर IPS अफसरों के पैनल से DGP के तौर पर नियुक्ति के लिए नाम मांगे गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दे दिया है। कांग्रेस समेत राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से रश्मि के खिलाफ शिकायत किए जाने के बाद आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है और उनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम भी मांगे गए हैं। DGP के तौर पर नियुक्ति के लिए ये 3 नाम मांगे गए हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ईसी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने DGP रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला ईसी की ओर से लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्हें हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं और मुख्य सचिव से 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम भी मांगे गए हैं। DGP के तौर पर नियुक्ति के लिए ये नाम मांगे गए हैं। ये बड़ी जानकारी वक्त के सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पहले ईसी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वाघे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल गई है। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश भी दे दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? देखिए अंकाशन जी, मैं आपको सबसे पहले बता देखो महागठबंधन की तरफ से रश्मि शुक्ला को हटाने के प्रयास जारी लगातार जारी रहे थे। उन्होंने कई बार इलेक्शन कमिश्नर के पास कंप्लेंट की थी कि रश्मि शुक्ला को हटाया जाए, लेकिन रश्मि शुक्ला जो DGP है महाराष्ट्र की, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बहन कही जाती है वो, इसलिए उसके उसको हटाने का जो प्रयास महागठबंधन कर रही थी वो किस तरह से नहीं हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही रश्मि शुक्ला का फोन टैपिंग के मामले में नाम आ चुका है। उसके ऊपर केस भी दायर हुई थी, लेकिन वो केस को बाद में खारिज किया गया है। लेकिन अभी लगातार आरोप महागठबंधन कर रही थी कि नाना पटोले संजय राउत की फोन टैपिंग में रश्मि शुक्ला का हाथ है। रश्मि शुक्ला लगातार महायुति के प्रेशर में आके नाना पटोले और संजय राउत का फोन कैचिंग कर रही है। इस तरह इसके लिए नाना पटोले हो या संजय राउत हो, उद्धव सेना हो या कांग्रेस हो, उन्होंने लगातार कंप्लेंट की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि रश्मि शुक्ला को हटाया जाए। जहां अक्टूबर में सेप्टेम्बर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तभी भी उन्होंने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि इनको हटाया जाए, क्योंकि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उसका प्रभाव ना दिखाई दे, जो युति के वोट है वो ट्रांसफर करे या कोई गड़बड़ी होती है उसको प्रोटेक्ट किया ना जाए, इसलिए रश्मि शुक्ला का हटाना जरूरी है। ऐसा आवेदन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास रखा था, उसके वजह से आज राजीव कुमार ने उनको हटाने का आदेश दिया है। जी मंगला जी, वहीं अगर बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इससे पहले भी उनको कई बार चेतावनी दी थी और निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने के लिए भी अनुरोध किया था। तो क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरीके से 20 नवंबर को मतदान होना है, तो किस तरीके का असर उसमें देखने को मिल सकता है? देखिए रश्मि शुक्ला के ऊपर कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी मुंह बोली बहन और रश्मि शुक्ला को कहा जाता है, लेकिन
अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो। इस तरह से महागठबंधन सतर्क हो गई थी, पहले से ही सतर्क हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उनको जो लोकसभा में महागठबंधन को सीट मिली है, जो उनके खिलाफ अश्विनी शुक्ला के खिलाफ कंप्लेंट महागठबंधन की ओर आई है, उस कंप्लेंट को लेकर महागठबंधन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि अगले आने वाले चुनाव में इनको हटाया जाए, नहीं तो इलेक्शन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि गड़बड़ी हो, उसके फेवर उसका जो प्रभाव है वो महायुति को मिले। इसके उन्होंने लगातार अनुरोध किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अश्विनी शुक्ला को हटाया जाए। आखिर महागठबंधन को यश मिला है अश्विनी शुक्ला को डीजीपी पद से हटाने का। अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई नया डीजीपी अपॉइंट नहीं हुआ है। इसके लिए 3 सीनियर और पुलिस ऑफिसर की एक समिति बनाई गई है कि नया डीजीपी जल्द से जल्द चुना जाए। ठीक है मंगला वागे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इसी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए 3 नए नाम भी मांगे गए हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस और कई राजनीतिक दलों की ओर से इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जल्द से जल्द नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए भी 3 नाम मांगे गए हैं।